हट हेलो जाओ भाई, गाइस, हट क्या जाओ हाल हाथ है। से। तो मैं अपनी एक और नई वीडियो लेकर आ गया हूँ, फोर फिंगर क्लॉ के साथ। तो मैं मिलिट्री बेस आया था, यहाँ पे भी दो बंदे वैसे ही आ गए जैसे डाउन रूम में। तो देखिए इनको कैसे मारते हैं। यहाँ पे एक तो गन भी नहीं मिल रही थी कोई, और वो बंदा पीछे था, हमें पता भी नहीं कि उसके पास गन थी कि नहीं, हम बस गन ढूंढने के लिए भाग रहे थे। पता लगा मेरे एक बंदे के पास शॉर्ट गन थी, तो उसने दोनों को मार दिया। वहाँ पे मारने का तिरंत थ्री बिल्डिंग पे आ गया, और थ्री बिल्डिंग पे ही सामने मेरे एक बंदा आ रहा था, तो मैंने 2S लगा के डीपी से चिपका दिया उसके, वो नॉक हो गया। अब इसके बाद जब हम इसको मारने के लिए और आगे जाते हैं, तो इसके तीन बंदे और होते हैं ऑफिस पास ही, तो उनको भी मैं देखिए कैसे मारता हूँ। अभी जल्दी एक तो फोर फिंगर भी लगाया ना, तो थोड़ा सा हाथ मतलब सेट नहीं हुआ भी सही से। मतलब ये है कि मतलब बंदा मारने लगा हूँ, मतलब उतना प्रोफेशनली नहीं हाथ सेट हुआ मेरा फोर फिंगर का। थोड़ा सा स्कोपिंग वगैरह में थोड़ी सी दिक्कत होती है, ऊपर नीचे खुलता है ये सब थोड़ा सा, लेकिन ये है कि काफ़ी मज़ा आ रहा फोर फिंगर खेलने में। अब ये देखिए इस बंदे को नॉक करने के बाद देखिए दो बंदे कहाँ एकदम घुसे हुए हैं एकदम नुक्कड़ में, बोलो प्यार से ख़त्म करता हूँ ये पूरी स्क्वाड वाइप। तो फिर हम लोग कोचिंग की तरफ जाते हैं हॉर्न बजा के, तो एक बंदे का फुट स्टेप आता है, तो फिर मैं गाड़ी रोक लेता हूँ आगे, समझ गए अभी बंदे हैं, फिर आते हैं इनको मारते हैं। देखिए कभी अब ये बंदा सामने हमें घर में दिखता है, लेकिन समझ में नहीं आता कर क्या रहा है ये। इसको मैं अंदर जाके घुस के मार देता हूँ, ये हाथ में गन भी नहीं लगाया होता है। वो बंदा मारने के बाद इतना तो पता था कि बंदे इसके और हैं, और सामने बिल्डिंग में ही बंदे थे, तो यहाँ से हम थोड़ा सा रोटेशन मारते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि मेरे एक बंदे को ये लोग नेट मार के नॉक कर देते हैं, तो फिर मैं उसकी तरफ भागता हूँ जल्दी से। तो बंदे को मेरे फिनिश करना ही वो आ रहा होता, तो वॉल से जैसे मैं ब्रोकन वॉल जंप करता हूँ ये सामने से, तो मैं नॉक करने के बाद अपने बंदे को रिवाइव करता हूँ जल्दी से। और इसका एक बंदा और है अपने यही कंपाउंड में, तो इसका तीसरा बंदा भी हमें दिख जाता है। तो थोड़ा सा बताया था ना शुरू में कि थोड़ा सा अभी हाथ में सेट हुआ ना प्रोफेशनली, तो पिक फायर करके जल्दी से मैं मार नहीं पाता, नहीं तो ये भी किल मैं ही ले लेता। तो ये भी नॉक होता बंदा, तो इसका एक लास्ट बंदा होता, वो पता नहीं क्या मतलब किस टाइप का प्लेयर होता है, देखिए बिल्कुल एकदम बिगनर टाइप में नूब। तो भाई इनका चौथा बंदा दिख जाता है, उसके ऊपर स्प्रे तो मैं करता हूँ लेकिन किल नहीं मिल पाता उसका, किल आता है अपने आई एन डी के खाते में। तो पूछे कि सबको फिनिश करने के बाद रोजॉक पे आता है, तो यहाँ से एक बंदा ओम चला रहा होता है, उसके शॉट आता है, तो वहाँ पे फिर जाते हैं हम लोग उसको मारने, और वहाँ पे हो जाती है थर्ड पार्टी। तो वहाँ पे तो किल में फिर सिर्फ तीन ही मिलते हैं, बाकी तो अपने आई एन डी के खाते में जाते हैं। देखिए मज़ा आएगा यहाँ पे। तो वहाँ पे सबको मारने के बाद फिर इस साइड से जा रहे होते गैराज के पास से, तो यहाँ पे हमें एक बाइक दिखती है थ्री व्हीलर, तो हमें लगा यहाँ पे बंदे होंगे, तो पर यहाँ पे बंदे नहीं होते। तो आगे से हमें डीपी का शॉट आता है, तो फिर वहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद देखते हैं कि बंदे वो भाग रहे होते हैं, मतलब जा रहे होते हैं, तो अपने आईएनडी ने जो रैंडम फायरिंग करता है तो वो रुक जाते हैं,
और रुकने के बाद फिर तीनों को देखे कैसे मारते हैं। किल अपना आईएनडी के खाते में जाता है। एक्सलेंट तो वहाँ पे वर्क। हम ग्रोजा के लिए सप्रेसर ढूंढ रहे थे, तो यहाँ पे ड्रॉप दिखता है, ड्रॉप आके चेक करते हो तो यहाँ पे सप्रेसर मिलता तो है लेकिन स्नाइपर सप्रेसर मिलता है, और ग्रोजा अगर है तो भाई बिना सप्रेसर के मज़ा नहीं आती है। तो भाई यहाँ से आगे जा रहे होते हैं तो आगे गैराज पे, वहाँ से बंदा विंडो से खड़ा होकर डीपी चला रहा होता है, तो उसका फ्लैश हमें दिखता है। तो हमने कहा जब अपने पास AWM है तो यहाँ से पहले एक को नॉक करते हैं फिर घुस के मारते हैं, तो देखिए कैसे मारते हैं। तो ये ले बबुआ हेड शॉट, यहाँ पर लोग आ जाते हैं इसके पास, और यहाँ से मैं नेट कुक करता हूँ लेकिन पहले नेट मारता हूँ तो नीचे लड़के नीचे आ जाता है तो दूसरा नेट ऊपर चला जाता है, तो सही रहता है वो, तो उससे बंदा वो नॉक हो जाता है तो फिर आसानी हो जाती है उसके मारने में। तो यहाँ पे इनको मारने के बाद एक ड्रॉप पे गाड़ी जाती है, तो गाड़ी वो हमने देखी थी, तो यहाँ पे छोटे से जो हट बने दो तीन उसमें जाती है वो गाड़ी, तो हमें पता था वहाँ पे बंदे हैं तो जाते हैं उनको भी निपटाने। तो देखिए क्या सीन होता है। तो यहाँ पर अपना आईएमडी जो है दोनों को मार देता है, हम तो नॉक हो जाते हैं। खैर किस्मत अच्छी होती है, बिल्डिंग वहाँ से अपार्टमेंट से शॉट आता है बहुत डैक्सन का, तो हम बच जाते हैं। उसके बाद रिवाइव होते हैं, फिर देखिए कैसे उनको भी निपटाते हैं। ये मैंने करा इसको ई ले बबुआ हेड शॉट। तो हम लोग जाते हैं अब रश करने उनके ऊपर, तो रश करने जाते हैं तो अब देखिए गाड़ी से उतरते ही मेरा प्लेयर नॉक हो जाता है, ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुका। तो भाई आप लोग के साथ भी हुआ क्या ऐसा, तो कमेंट में बताइएगा भाई। तो यहाँ से फुल हील करके अपना फिर जाते हैं ऊपर। तो ऊपर जा रहे हो तो हमें दो, वो तो हमें पता हो गया था कि रिवाइव हो गया, दो बंदे हैं ऊपर, तो हम नेट कुक करने लगते हैं। तो जब तक आए रिवाइव उसके मारने लगते हैं तो नॉक करते हैं एक और, उसके बाद उन्हें आते हैं फिर हमें जाना पड़ता है ऊपर। एक्सलेंट वर्क। तो भाई इनका लास्ट बंदा भी आता है, तो ऐसा हमने इसलिए मार दिया था, हमें लगा कि वो ऊपर आएगा तो हमने नेट मार दिया, हमने कहा ऊपर आएगा तो नेट फटेगा तो उसी में शायद निपट जाए वो, तो वो ऊपर नहीं आता, वो नीचे जाके कैंप करने लगता। तो हम रिवाइव करने के बाद उसका साउंड तो हमें पता चल गया था कहाँ पर बैठा वो जाके, तो उसको फिर जाके पेल देते हैं। तो अब यहाँ पे ये टीम ख़त्म, तो छत पे आते एक स्नैक दिखता हमें, तो फिर देखिए क्या होता उसके साथ। ए ए इल्ले बबुआ हेड शॉट। एक बंदा और हमें स्पॉट होता है आके शेक के पास, तो उसको भी मारते हैं। तो हमें लास्ट बंदा तो पता ही था कि बगी दिखी थी हमें, तो वो बिल्डिंग में ही है, तो
तो हम दूर वाले को देख रहे थे तो वो भी हमें दिख जाता तो उसको भी मार देते आराम से। तो भाई यहाँ पे अपना एंडी जो है लास्ट बंदे को मार देता, तो इस मैच में हम लोग टोटल 31 किल करते हैं। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, और लाइव गेम प्ले मेरा देखना है तो भाई जल्दी से भाई 1K कंप्लीट हो उसके बाद में लाइव स्ट्रीमिंग करूँ।